अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अतीक सुबानी और अभी हम खड़े हैं सेंडनी बेसिलिक में। और आज का जो दिन है वो तारीख का पेरिस का सबसे गर्म दिन है। आज 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा टेम्परेचर। और आज मेरा एक दोस्त है, एक मेरा खुफिया दोस्त जो मेरे साथ आज कैमरे के बैक साइड पे खड़ा है, उसको मैं दोस्त को वेलकम कहता हूँ पेरिस में। और इंशाल्लाह आगे हम देखते हैं क्या 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 होता है, आज हमारा कितना बुरा हाल होगा। मुझे तो अभी से बहुत सख्त गर्मी लग रही है, तो उसके भी पसीने छूटे हुए, देखते हैं कि आगे क्या क्या होता है, फिर मिलते हैं। पेरिस एक बहुत महंगा शहर है और जैसे ही आप देख रहे हैं सामने ये पब्लिक टॉयलेट है, तो यहाँ पे जो है सिर्फ टॉयलेट यूज़ करने के आपको तकरीबन 3 यूरो देने पड़ जाते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट भी लगाए हुए हैं, यूरिनल्स लगे हुए हैं, और लोग जो हैं ताकि वो दीवारों पे पाकिस्तान की तरह पेशाब ना करें और इन टॉयलेट्स को यूज़ करें। और ये सामने आप देख रहे हैं, ये सामने ब्रोकांट लगी हुई है। ये ब्रोकांट बिल्कुल उसी तरह जैसे पाकिस्तान में लंडा लगता है ना, ये ब्रोकांट है। मुख्तलिफ डेज डिफरेंट डेज पर लगती है। अच्छा, तो फिर मेरे दोस्त, मैं अभी तुम्हें जहाँ पे लेके आया हूँ ना, ये है पेरिस और इसके पास है एक बहुत खूबसूरत जगह नतखुदम। ये चर्च है और बहुत प्यारा चर्च है, इसको भी हम देखेंगे और आपको बताएंगे कि उसके पीछे नतखुदम की हिस्ट्री क्या है। पेरिस एक बहुत गर्मी है लेकिन पानी क्या गवर्नमेंट हर जगह पर मुहैया करता है। ये देखें यहाँ पर ठंडा पानी है और आप इसको पी भी सकते हैं, पीने वाला पानी है और मुँह आते हैं ठंडा हो गया। अच्छा, ये अभी सामने हमें नज़र आ रहे हैं जो है पानी के फुहारे। बड़ी सख्त गर्मी है इसलिए उन्होंने जो है यहाँ पे मुख्तलिफ जगह पे ना वो फुहार डाली हुई है, और लोग जो हैं वो गर्मी से बचने के लिए रिलैक्स करते हैं उसके नीचे। हम भी जाते हैं और थोड़ा सा इंजॉय करते हैं। कि टेम्परेचर को काफ़ी कूल डाउन कर रहा है इस जगह पे, काफ़ी। तो मेरे दोस्त, ये देखो, ये जो दरिया है ये उसी तरह जैसे लाहौर के साथ रावी है, इसको सेन बोलते हैं, दरियाए सेन। और ये पेरिस के बिल्कुल सेंटर से गुजरता है और इसके ऊपर वो ट्रांसपोर्ट वगैरह भी अपनी करते हैं, मुख्तलिफ गुड्स की, यानी कि कंस्ट्रक्शन का अगर कोई सामान लेके जाना है तो वो भी सेन के ऊपर से लेके जाते हैं। और टूरिस्ट वगैरह भी इसके ऊपर, फेरीज के ऊपर बैठ के विज़िट वगैरह करते हैं। और जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं ना ये मेरे दोस्त, वो देखते हैं यहाँ पर। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। ये वो चर्च है नतखुदम जिसको इसी साल 2019 में आग लग गई थी कंस्ट्रक्शन के दौरान। है तो ये बहुत पुराना, इसकी यानी कि 600-700 साल पुरानी हिस्ट्री है, लेकिन पिछले दिनों में रेनोवेट करते हुए इसको आग लग गई। तो ये बहुत खूबसूरत चर्च था और अभी भी है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन अभी इसके अंदर नहीं जा सकते क्योंकि इसके अंदर जो वुडन स्ट्रक्चर था वो जल के राख हो गया और इन्होंने फिर दोबारा से फंडिंग किया और इसको उससे ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो मेरे दोस्त, ये जो सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, ये है गैलरी लफायत। इसके अंदर दुनिया के सबसे महंगे जो ब्रांड्स हैं उनके स्टॉल्स मौजूद हैं, और जो लोग यहाँ के अमीर तरीन लोग हैं वो आपको शॉपिंग करने के लिए गैलरी लफायत में आते हैं। ये गैलरी लफायत का इंटीरियर है।
जो सामने ग्लास नजर आ रहा है ना, ये पहले यहाँ पे ग्रिल हुआ करता था, तो ग्रिल को ख़त्म करके उन्होंने ग्लास लगा दिया ताकि व्यू जो है वो ब्लॉक हो, बहुत खूबसूरत व्यू मिल रहा है। और अभी हम खड़े हैं कैफे जो पैंट के टॉप पे, अभी हम जिस जगह पे आए हैं वो है वाइट चर्च, उसको फ्रेंच में सेक्रेट को कहते हैं, यानी कि मुकद्दस दिल। तो अभी ये इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के वहाँ तक हम पहुँचेंगे और देखेंगे कि कैसा स्ट्रक्चर है, क्या है वहाँ पे, और आपको भी मैं दिखाऊँगा। आ जाए चलते हैं। ये जो सीढ़ियाँ हैं ना, ये सीढ़ियाँ असल में मशहूर हैं, यहाँ पे लोग अक्सर बैठ के तस्वीरें वगैरह सेल्फीज लेते हैं, लेकिन आज आपको यहाँ पे कोई भी बैठा हुआ नज़र नहीं आ रहा है। उसकी एक वजह सिर्फ ये है कि ये बहुत तप चुकी हैं, यहाँ पे अभी 44 डिग्री सेंटीग्रेड है टेरेस के अंदर, जिसकी वजह से इनकी इतनी हीट हो गई है कि इस पर कोई बैठ नहीं सकता। और ये यानी कि एक पहाड़ी पे मौजूद है, हाई पे है, यहाँ से पूरे पेरिस का आप नज़ारा भी कर सकते हैं, यहाँ से बहुत बिल्डिंग्स वगैरह नज़र आती हैं पेरिस की, और पूरा तकरीबन पेरिस का जो शहर है वो नज़र आता है यहाँ से। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं आपको आशिक लाजमी मिलेंगे, और यहाँ पे भी आशिकों ने अपने ये कारनामे और करतूत किए हुए हैं। उन्होंने यहाँ पे अपने नाम, अपने महबूब का नाम जो है इन तालों के ऊपर लिख के कुंदा करके यहाँ पे लगा दिया है, और अपनी मोहब्बत को यहाँ पे कैद कर दिया है। ताले लगा से मोहब्बत को कैद नहीं किया जा सकता, उसको अपने दिल में रखना चाहिए और उसको निछावर करना चाहिए अपने महबूब पे। मेरे दोस्त, ये जो जगह है ना, इसको बोलते हैं मूलन रूज। मूलन रूज का मतलब है कि रेड कलर की चट्टी, सुरख रंग की चट्टी, ये चट्टी की तरह ये घूम रहा है, यानी कि ये मिल है, विंड मिल। तो यहाँ पे ये थिएटर है बहुत मशहूर पैरिस के अंदर, यहाँ पे काफ़ी बड़े एक्टर्स, थिएटर एक्टर्स आके यहाँ पे थिएटर करते हैं, और लोग स्पेशलिस्ट को देखने के लिए आते हैं। और ये बहुत बिजी रोड है, यहाँ पे एडल्ट शॉप्स भी हैं और कैफी कैफेज भी हैं, रेस्टोरेंट्स भी हैं, काफ़ी कुछ है रोड के ऊपर। तो अगर आपको इंटरेस्ट हो थिएटर देखने का, एक तो वो थिएटर है जो पाकिस्तान में चलता है कि गुजरा वे उन्हें किया बड़ा थिएटर है, अगर आप शौकीन हैं तो आप ये थिएटर देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे छुपे हुए कैमरे के पीछे छुपे हुए दोस्त, ये वो जगह है जिसको ला डिफेंस कहते हैं। ये असल में फ्रांस का पेरिस का एक मॉडर्न एरिया है, जहाँ पे मॉडर्न बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, और यहाँ पे सारी कंस्ट्रक्शन जो है वो नई कंस्ट्रक्शन है, और बिल्कुल सामने इसके एक आर्क नज़र आ रही है जिसको आर्क दे ट्रायंफ बोलते हैं, और शांज़ेलिज़े का जो मेन चौक है वो यहाँ से नज़र आता है।